शेष हो जाए तो अच्छा है। संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होगी, संघर्ष की रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होगी, सफलता का सूर्य उतना ही तेज चमकता है। ये आप भी पता है, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। तो मैं सर्वप्रथम मंचा सिंह, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम जी, साथ ही हमारे दिलीप भाई उपाध्यक्ष गोरखपुर और टिंकू जैसवाल उपाध्यक्ष गोरखपुर का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में मेरे बड़े भाई डॉक्टर पंकज जी, विपिन सागर जी, पवन सागर जी, राजेश सागर जी, बहन सुब्रा जी और हम सबके मार्गदर्शक और सलाहकार बड़े भाई नरेंद्र भान जी और बरेली जनपद के समस्त बरेली अनुदेशक भाई बहनों, आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज सभी सम्मानित साथियों के मन में एक शंका बैठी हुई कि अचानक ये मीटिंग कैसे हुई। अभी तक तो 2013 से 15 से लोगों के एसोसिएशन बने हैं, लेकिन इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसका जवाब मैं आप सभी को देना चाहूँगा। जैसा कि वित्त वर्ष में आप सभी को जानकारी होगी, 17,000 मानदेय जो भारत सरकार से पास होता हुआ, लेकिन अब तक हम सभी को कोर्ट में केस लड़ते रहे, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जब हमारे विक्रम जी 1.5-2 साल से हमारे संपर्क में आए और जब इन्हें अपनी 17,000 की मुहिम संभाली और इन्हें रीट डाली और 17,000 का रिजल्ट से पहले विक्रम जी ने 2,000 रुपये बढ़वाए आते ही। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ अपने अनुदेशक भाई बहनों की तरफ से भी। और उसके कुछ दिनों बाद हमारे 17 और 18 में जो पैप की मीटिंग हुई थी, उसमें केंद्र सरकार ने पैप की मीटिंग में 17,000 का बजट पास करा था हम लोगों का, लेकिन किसी कारणवश उनने जियो चेंज करके कैसे भी ना करके उनने उस चीज़ को नहीं दिया। कोर्ट तो ये भी कह रही थी कि ब्याज सहित 17,000 का 2017 से मिलना चाहिए, लेकिन अभी गत वर्ष जो सत्र हमारा 17-18 है, वो हमारी जो देन है वो विक्रम जी की देन है, जो इन्हें आज 17,000 2017-18 कराई है। लेकिन लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। हेलो, अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 1,10,000 रुपया सरकार ऐसे नहीं देगी, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन जी से निवेदन करूंगा, वो वैद्य और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी विक्रम जी हैं, उनका भी स्वागत करें। क्योंकि स्वागत जरूरी है, बातें चलती रहेंगी हमारी। कहते हैं अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूँ, जवाब देने का हक है मैंने वक्त को दे रखा है, यानी जब वक्त आएगा तो जवाब भी देंगे।